और अब कुछ बात करेंगे नाकिस कारकर्दगी के हवाले से। तो नाकिस कारकर्दगी पर 16 इंस्पेक्टर्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शोबा फाइनेंस के रेडार पर आ चुके हैं, जबकि रेवेन्यू अहदाफ को पूरा कर रहे, वरना 3 दिन के बाद खुद को मुअत्तल समझें। 16 टैक्स इंस्पेक्टर्स को रेवेन्यू टारगेट पूरा ना करने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद जानते हैं इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक बताइएगा। सिद्रा मुनीर, बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 16 तगड़े टैक्स इंस्पेक्टर्स को रेवेन्यू टारगेट पूरा ना करने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। 3 रोज में वजाहत तलब की गई है, वजाहत तलब ना करने वालों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा, जबकि नाकिस कारदगी के हामिल 16 टैक्स इंस्पेक्टर्स को जो है वो दाताकमे जोन के 7 है, जबकि शालामार जोन के 6, रावी जोन के 2 और निश्तर जोन का 1 टैक्स इंस्पेक्टर को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। दाताकमे जोन के अगर टैक्स इंस्पेक्टर्स की बात करें तो इसमें मियाँ हामिद आगा अमल, मियां सलाउद्दीन, मोहम्मद अली, मोहम्मद इजाज खान, मोहम्मद उमैर, नवीदुर रहमान को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह शालामार जोन के टैक्स इंस्पेक्टर में मोहम्मद उमैर, मोहम्मद अली भट्ट, मोहम्मद आरिफ भट्टी, शबीर अहमद, मुजफ्फर अली और मोहम्मद इजाज खान शामिल है। मैं आपको बताता चलूँ की रावी जोन के मोहम्मद मुख्तार और कादिर बशीर, जबकि निस्तर जोन के इमदाद अली को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। 3 रोज में इन्होंने रेवेन्यू खिताब के बारे में बताना है, अगर वजाहत तलब नहीं करेंगे तो शोबा फाइनेंस इनको मुअत्तल कर देगा। जी ठीक है, 3 दिन की मोहलत दी गई है। इमरान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।